आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जगत जननी माता दुर्गा को प्रसन्न करने इस तरह आरंभ करे दुर्गा सप्तशती का पाठ। नियमों का पालन करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना माना गया है बहुत शुभ। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। सनातन धर्म के शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती के पाठ को नियमों का पालन करते हुए बहुत ही सावधानी से करने की सलाह दी जाती है। जानकार विद्वान बताते हैं कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से किया जाए तो मनचाहे फल अवश्य मिलते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए नियमों का पालन नहीं करते तो आपको इसके भयानक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। जानकार विद्वानों के मतानुसार माता दुर्गा के सप्तशती पाठ को शुरू करने से पहले आपको किसी पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर एक वेदी बनाइए और उसमें जौ और गेहूं बो दीजिए। आपके द्वारा किया गया माता का पाठ कितना फलदायक या कितना सार्थक साबित हुआ इसका अंदाजा इन जौ और गेहूं के अंकुरित होने के अनुसार लगाया जाता है। अर्थात गेहूं और जौ यदि शीघ्रता से अंकुरित हो तो इससे यह संकेत मिलता है कि हमारा दुर्गा पाठ सही दिशा में जा रहा है और इससे हमें अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसके उपरांत वेदी के ऊपर कलश की स्थापना पंचोपचार विधि से करनी चाहिए। तदोपरांत कलश के ऊपर मूर्ति की प्रतिष्ठा पंचोपचार विधि से करनी चाहिए। माता का पूजन करते समय आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान आपको मांस मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। व्रत के आरंभ में स्वस्ति वाचक शांति पाठ करने के बाद हाथ की अंजलि में जल भरकर दुर्गा पाठ शुरू करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ लोकपाल, नवग्रह एवं वरुण का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इसके उपरांत माता दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। अब पूरी श्रद्धा के साथ माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब जानिए माता के दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि। भारत के धर्म शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की कई विधियों का जिक्र मिलता है जिनमें से दो विधियां सबसे ज्यादा प्रचलित है। जानकार विद्वान बताते हैं कि इसकी प्रथम विधि के अनुसार दुर्गा सप्तशती की इस पाठ विधि में 9 ब्राह्मण साधारण विधि के द्वारा पाठ आरंभ करते हैं। अर्थात इस विधि में केवल पाठ किया जाता है, पाठ के समाप्त होने पर हवन आदि नहीं किया जाता। इस विधि में एक ब्राह्मण द्वारा दुर्गा सप्तशती का आधा पाठ किया जाता है। इस आधे पाठ को करने से ही संपूर्ण पाठ की पूर्णता मानी जाती है, जबकि इसमें एक अन्य ब्राह्मण द्वारा षडंग रुद्राष्टाध्याय का पाठ विधि पूर्वक किया जाता है। जानकार विद्वान यह भी बताते हैं कि इसकी दूसरी विधि के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की दूसरी विधि अत्यंत सरल है। इस विधि में एक दिन एक पाठ पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम अध्याय, पांचवे दिन नवम और दशम अध्याय, छठे दिन एकादश अध्याय, सातवे दिन द्वादश और त्रयोदश अध्याय करने से सप्तशती की एक आवृत्ति पूरी हो जाती है। इस विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने पर आठवें दिन हवन और नवमें दिन पूर्ण आहुति की जाती है। वहीं यह भी बताया जाता है कि अगर आप बिना रुके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो त्रिकाल संध्या के रूप में पाठ को आप 3 हिस्सों में विभाजित करके इसका पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ में जिन बातों का रखे ध्यान रखने की बात कही जाती है उस संबंध में कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के कुछ नियम है जिनका पालन करके आप विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इन नियमों में जो बातें शामिल हैं, उनमें किसी भी शुभ फल के लिए की जा रही पूजा गणेश जी की पूजा से होती है, इसलिए दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले भाई आपको गणेश पूजन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ में अर्गला, कवच और कीलक के स्तोत्र से पूर्व शापोद्धार करना आवश्यक है। शापोद्धार के बिना आपको दुर्गा सप्तशती का सही प्रतिफल नहीं मिलता, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा,
विश्वामित्र और वशिष्ठ द्वारा शापित है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूर्व और बाद में नरवान मंत्रों ह्रीं क्ली चामुंडाय विच्चे का पाठ करना बहुत जरूरी माना गया है। इस मंत्र में माता सरस्वती, ओंकार, माता लक्ष्मी और माता काली के बीज मंत्र है निहित है। अगर आप सप्तशती का पाठ संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे आप हिंदी में सरलता से पढ़ सकते हैं। हिंदी में इसका पाठ करते हुए इसका अर्थ भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावान माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।